अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह के फजल करम से अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, देखिए मैं बाज़ार गई थी, मैं क्या क्या बाज़ार लेकर आई। मेरे बहू बेटे की पहली एनिवर्सरी है कल, तो मैंने बाज़ार लेकर आई हूँ, तो आज सब मैं बाज़ार का ही बता रही हूँ। आज मैं 3-4 दिन के बाद बाज़ार गई थी, आज मार्केट गई, मार्केट से मैंने चिकन लेकर आई। अभी कल जो है ना, मेरी बहू की पहली एनिवर्सरी है शादी की, कल है, तो कल संडे है। संडे को ज़्यादा मार्केट में भाजी तरकारी या मिर्ची वगैरह सब महंगी रहती है, तो मैंने सोची चलो आज सैटरडे है, आज ही जाऊँ, आज ही सब खरीद लूँ। आप सबको आज मुहर्रम की चांद रात मुबारक। आज मुहर्रम का चांद है और कल पहली तारीख है, लेकिन अभी मेरी बहू का क्या करे, अभी एनिवर्सरी 1 तारीख को ही आ रही, मुहर्रम की 1 और जुलाई की 31 तारीख है, तो अभी कल ही है, तो हम लोग कल घर में उसके एनिवर्सरी मना रहे हैं, मनाएंगे। लेकिन देखो, जितना हमको दुख है मुहर्रम का, उतनी हमको खुशी है, क्योंकि हमारा इस्लाम जिंदा रहा है, क्योंकि हमारे हसन ने करबला में सजदे में सर कटाए मुसलमानों के लिए और हमारे इस्लाम को जिंदा रखने के लिए, तो ये हमारे लिए खुशी का दिन रहेगा। और दुख ये रहेगा कि वो शहीद हुए, लेकिन वो शहीद हुए हमको जिंदा रखने के लिए, हमारे इस्लाम को जिंदा रखने के लिए, तो इसलिए हमें दुख जितना है उससे कहीं ज़्यादा हमें खुशी है। तो खुशी के मौके पे हमें खुशियाँ मनानी, लेकिन इस तरह नहीं कि नाचो ढोल बजाओ, ऐसे नहीं। जो वक्त आया उस वक्त में जब हम निकाह कर सकते हैं, मुहर्रम के महीने में शादियाँ होती है, तो ये एनिवर्सरी तो छोटा मोटा सा फंक्शन है, तो ये छोटा मोटा फंक्शन हम मनाना चाहते हैं। देखिए आज मैं मार्केट गई, तो आज मैंने क्या क्या मार्केट से लेकर आई हूँ, मिर्चियाँ लेके आई हूँ, और कोथमीर, पुदीना, ये रहे हमारे टमाटर, और ये प्याज लेके आई हूँ, कांदा माशाल्लाह बहुत अच्छा कांदा मिला, कांदा लेके आई, और ये लेके आई बटाटा लेकर आई, और एक और क्या लाई हूँ, और ये फ्लावर बहुत अच्छा लग रहा था, फ्लावर लेके आई हूँ, और क्या लेके आई, और ये देखिए ये चिकन लेके आई हूँ, क्योंकि कल सुबह संडे है, तो संडे को उठने के लिए टाइम नहीं मिलता है जल्दी, थोड़ा टिफ़िन नहीं बनाना रहता है, तो मैं भी आराम से उठती हूँ कि हफ्ते में एक दिन मुझे आराम से उठना रहता है, तो इसलिए मेरे को कल मार्केट जाने टाइम नहीं मिलेगा, इस वजह से आज ही मैंने देखो चिकन भी ला के रखी। कल मेरी बेटी बनाने वाली है चिकन टिक्का बिरयानी बनाने वाली है, तो इसके लिए मैंने आज ही सब कुछ ला ली। अभी मेरी बेटी तो कल आएगी, तो तब तक मैं पूरी तैयारी करके रखूँगी, कांदा पिस्ता बनाऊँगी, चिकन साफ़ करूँगी, ये सारे टमाटर वगैरह सब साफ़ करके मैं रख दूँगी। अभी दही भी मैंने 1.5 किलो दही भी ला कर रखी हूँ, और अभी लाने का क्या बाकी रह गया है, शान का मसाला, टिक्का मसाला लाना है, और कश्मीरी लाल मिर्च भूल गई हूँ वो लाना है, और जो कुछ थोड़े मसाले होंगे वो इंशाल्लाह मैं कल लेकर आऊँगी। ऐसे तो गरम मसाले सारे पूरे मेरे पास हैं, गरम मसाले, तो वो तो गरम मसाले सब लगेंगे। अभी देखिए अभी ये सब साफ करने का है, सब साफ कर लूँगी मैं, फिर इसके बाद आप मुझसे मिलूँगी। ये देखिए ये मैं दही ये वाला लाती हूँ, हमेशा मुझे ये दही बहुत पसंद रहता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा खट्टापन नहीं रहता है, और मुझे दही रोटी भी खाने की आदत है ना, तो मुझे ये दही अच्छा लगता है, तो यही दही लेकर आती हूँ। देखिए अभी ये दही लेके आई हूँ, कचुम्बर में भी काम आएगा, और अपने बिरयानी के मसाले में भी, चिकन टिक्का बिरयानी में भी अपना काम आएगा। चलिए अभी मैं जा रही हूँ चिकन साफ करने के लिए, पोदने पुदीना तोड़ने का है अभी। ये क्या कर रहे हैं? अरे ये छुरी धार करने वाला है, देख इससे छुरी धार करते हैं, तो अब धराती कैसे इसके ऊपर घसो, इसके लिए मैं इसको ही पकड़ रही हूँ, इसके ऊपर घस रही हूँ। मैं ऐसे पहले भी ऐसा ही की थी तो बराबर धार हो गई थी। ये ना छुरी धार करने वाला है, तो इससे मैं धराती भी ऐसे पकड़ के धराती को भी धार कर देती हूँ। है ना आइडिया ऐसे करने का इससे। चल अभी मुझे करना है बेटे चिकन साफ जल्दी, और है ना आज मेरी छोटी बेटी भी आने वाली है, आज सैटरडे है, उसको बोली बेटे तू आ जा। ये बेटा रुक, ये कचरा डालने के लिए, अभी आज सैटरडे है ना, तो मैंने बोली बेटा फंक्शन तो हम कर रहे हैं संडे को, और तू सैटरडे को ही आ जा, तो ताकि थोड़ी मेरी मदद हो जाएगी, क्योंकि अभी मेरी बड़ी बेटी फरहाना वो तो बोली कि अम्मी मैं संडे के दिन ही दोपहर तक आऊँगी, तो अभी हमारे घर में तो ये एनिवर्सरी का फंक्शन शाम का है, तो मैंने बोली हाँ बेटा तू ऐसे ही कर,
एक दिन पहले आ जाता, और मेरी छोटी बेटी आज आने वाली है, ज़रा वो आ जाएगी तो वो और मैं मिलके ला दी। कितना सारा चर्बी डाल दिया इसने ना, इतनी सारी चर्बी डाल के दिया बोली में। हालांकि इसको ये फेंकने की रहती है, बाबा मत डाल। अभी मैं भी ज़रा पहले चिकन साफ़ कर लूँ, फिर कोथमीर पुदीना थोड़ा बहुत काम करके रखती हूँ। और अभी दो दिन से मालूम नहीं क्या हो रहा है मुझे, मेरे को चक्कर ही आ रही है। ये देखा कोथमीर कैसे कटती है, इससे कांदा काट के दिखा एक बार, कितनी धार है। कांदा काट के दिखाऊं धार कितनी भी है, रुक जाए। देखिए मेरे हाथ कितनी कोथमीर हो जाने दे। देख कोथमीर पुदीना मैंने ऐसे ही काटी थी, कितनी अच्छी कट जाती है। देख चूड़ी से अच्छा हम लोग को ये काटने की आदत, हमारे गुलबर्गे वालों के पास हर घर में दराती रहती है ये। देख कितना अच्छी कोथमीर कट गई है। ये देख कांदा भी देख माशाल्लाह इतना अच्छा कट जाता है। ये देख ये देखा देखा देख कांदा कितना अच्छा, कितना देख कितनी धार हो गई है। देख अभी तुझे काट के दिखाती हूँ मैं कांदा। हाँ देख ये रहा, देख देखा ये देखा देखा कितना अच्छा कांदा कटा। देख देख धार हो गई है ना, देख कितना अच्छा कांदा कटा। ऐसे कांदा कटता, इससे कांदा काटने की भी इससे ज़रा भी देर नहीं लगती है। छुरी से अच्छा हम लोग को इससे काटने आता है। अभी ना मेरी बेटी आने वाली है, मैंने बोली मेरी बेटी को बेटा एनिवर्सरी कल संडे को है, आज तो सैटरडे है तो आज ही आ जा, क्योंकि देखिए मेरी शक्ल बता रही है ना कि मेरी आज तबीयत ख़राब है। दो दिन से मुझे चक्कर सर दर्द, और मैंने बीपी जाके बीपी भी चेक करा कर आई तो बीपी भी नॉर्मल है। डॉक्टर बोला कि नहीं बीपी भी नॉर्मल है। फिर देखिए दो दिन की अभी दवाई भी जाके मैं लेकर आई हूँ, तो मैंने मेरी बेटी को बोली बेटे ज़रा तू आ जा, घर में काम है, ज़रा तू मेरे हाथ पटाएगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे दामाद अभी बाहर से आए हुए हैं ना, तो मेरी बेटी को इतना टाइम नहीं हुए आने का। मैं खुद ही नहीं बुलाती उसको कि बेटे आए हैं एक महीने के लिए, तो रहो तुम लोग आराम से। तो अभी है ना मेरी छोटी बेटी आने वाली है, अभी वो आएगी, थोड़ा काम उससे करवाऊँगी। बेरिस्ता कांदा उसी से बनाने लगाने वाली हूँ मैं भी, थोड़ा मैं काट के देखूँगी उससे कटेगा तो ठीक है, फिर वरना मैं मेरी बेटी को बोलूँगी भाई तू ही ज़रा बेरिस्ता बना दे। इसलिए मैंने बोली लाओ मैं चिकन साफ़ करके सारा कोथमीर पुदीना टमाटर सारे ये काम करके रख दूँ। और मेरी छोटी बेटी अभी बोली तो है, देखो 5 बजे की ट्रेन से तो वो तो आएगी नहीं, शायद 8 बजे तक आ जाएगी वो। तो हम लोग रात को ही सारी तैयारी करके रखने वाले हैं कल के लिए, क्योंकि फिर कल टाइम ही नहीं मिलता है। मैं भी लेट उठती, बच्चे भी लेट उठते, और ज़रा बेटियाँ आएंगे तो लेट ही उठते माँ बाप के घर। मैं भी उठाती नहीं हूँ मेरे बच्चों को कि रहने दो, अपने भी घर में काम करके ही आते हैं, फिर मैं क्या उनसे काम कराऊँ। ये देखिए चिकन टिक्का के लिए मैं इतनी इतनी बोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि मैंने चिकन बिरयानी इसमें मेरी बेटी ने ईद में बनाई थी, बकरा ईद में, तो बहुत बड़ी बड़ी मैंने बोटी रखी थी, तो बच्चे लोग खा नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए अभी बेटी मेरी बोली अम्मी इतने बड़े बड़े मत बनाओ, थोड़े तुम है ना मीडियम बनाओ। मैंने हाँ बेटा ठीक है मैं मीडियम बनाती हूँ, फिर भी क्या है ना बिरयानी में ज़रा बड़े रहेंगे तो ही गोश्त अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे कोई बच्चे खाते कोई बच्चे नहीं। देख कितनी चर्बी है रे अल्लाह, कोई बच्चे खाते हैं कोई बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने बोली हाँ बेटा मैं मीडियम बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं। फिर भी मैंने उसको बोली गोश्त वाले को भाई तू थोड़ा मुझे बड़े बड़े पीस बना कर दे, मुझे जितनी ज़रूरत पड़े मैं अच्छे से साफ करके मैं अपने घर में ही बना लूँगी। देखिए अभी थोड़ा अच्छा चिकन साफ़ करके धो के एक छन्नी में रख देती हूँ मैं, और रख के मैं तो ऐसे सोच रही हूँ कि मसाले सब लगा के फ्रीज में रख दूँ, तो क्या है ना कल तक माशाल्लाह अच्छा मसाला लग जाएगा, सारी बोटियाँ चिकन टिक्के की माशाल्लाह मस्त बनेगी अगर हम मसाला पहले से लगा के रख देंगे तो। देखो अभी इतनी बड़ी बड़ी बोटी बना कर लाई हूँ, तो मेरी बेटी बोलती है अम्मी बहुत बड़ी है इसको भी थोड़ा छोटी करो, तो मेरे अच्छा बाबा मैं घर में बना लेती हूँ पीस इसके भी। अरे शर्जील तू भी थोड़ी मदद कर देना रे बेटे मेरी, तू भी थोड़ा देख मिर्ची साफ़ करने में ज़रा, क्या हो गया क्या लड़के लोग नहीं करते क्या इतना काम, मिर्ची साफ़ करना कौन सी बड़ी बात है, मिर्ची हाथ में पकड़ने का उसकी डंडी तोड़ देने का, ज़रा ये भी कर दे बेटा। मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही, देख अभी खाना खाई हूँ मैं, अभी दवाई खाना है। अरे गर्दन तो नहीं डालती बाबा, गर्दन क्या डालो उसमें मज़ा नहीं आएगा, गर्दन तो नहीं डालती। देख कितना इसमें सब गंदगी है, ये पूरा अच्छे से मैं भली साफ़ करके धो के मसाले लगा के मस्त से रखूँगी। अभी तो मेरी बहू गई है, मेरी बहू अभी मेहंदी लगाने के लिए,
अभी वो मेहंदी लगा कर आएगी, वो गई अपनी भाभी से मेहंदी लगाने, अब वो मेहंदी लगा के आए तक ही उसको रात के 8 बज जाएंगे, फिर वो क्या है कि क्या कुछ कर नहीं सकती काम, अरे चलो मैं ही सारा काम करके रख दूँ, अभी पहली एनिवर्सरी है ज़रा रहने दो अच्छे से खुश। चलिए अभी मेरी बेटी आ जाएगी, उसके बाद मैं वापस से आपको वीडियो बताती हूँ, या नहीं तो मैं देख के इसी पे एडिटिंग करके रख देती हूँ। चलिए अल्लाह हाफिज़, अभी पार्ट 2 में हम मिलेंगे।